केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का बिहार के साथ साथ कई राज्यों में जमकर विरोध हो रहा है। वहीं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने सभी बीजेपी नेताओं को एक बड़ा टास्क दिया है। इसके मुताबिक पार्टी नेताओं, छात्रों और कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधि के बीच जाकर उनके मन के कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। और इसी कड़ी में बीजेपी के विधायक संजीव चौरसिया ने भी अपने आवास पर छात्रों और कोचिंग संस्थान के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर उनको केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना की पूरी जानकारी देने का प्रयास किया। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं बीजेपी ने तमाम अपने नेताओं को एक टास्क दिया है कि वो छात्रों के बीच में जाए और छात्रों से वो संवाद करें और इस अग्निपथ योजना के बारे में बताने का काम करें। सुनील चौरसिया जी हैं जो बीजेपी के दबाव नेता हैं और छात्रों को समझा भी हैं। लेकिन सर, ये लगातार जो विरोध हो रहा है अग्निपथ योजना को लेकर, लगता है कि दिग्भ्रमित करने की कोशिश जो है वो कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा की जा रही है। ये निश्चित तौर पर जो बिहार का विकास, देश का विकास नहीं चाहते हैं, वैसे लोग दिग्भ्रमित करके करने का काम कर रहे हैं। नौजवानों को, प्रदेश का नौजवान ठीक से समझने का काम अब कर रहे हैं, क्योंकि पहले दिन देखेंगे थोड़ा सा दिग्भ्रमण था, बाद में लोग जिस प्रकार से संपत्ति को जलाने का काम हुए हैं, आपके माध्यम से जरूर कार्रवाई भी करनी चाहिए, वो भी मांग करते हैं। और वैक्सीन के बारे में भी ध्यान में होगा, जिस प्रकार के कोरोना के वैक्सीन को दिग्भ्रमित करने का काम किया कि मोदी जी का वैक्सीन है वो है, आज तो सब लोग ध्यान में आ गया कि भारत का वैक्सीन कितना उत्कृष्ट है। तो आज अग्निपथ के अंतर्गत जो अग्निवीरों के बारे में जो 4 वर्ष के सीमा के साथ जो पूरी ट्रेनिंग देने का काम होगा, उसके तहत नौजवानों को राशि भी उपलब्ध हो रहा है कि पूरे 4.5 वर्ष के कार्यकाल में 11.5 लाख से ज़्यादा का, उसके बाद भी 11.5 लाख से ज़्यादा का भी आपको पैकेज में मिलने का काम हो रहा है। उसके साथ साथ 25% जो उनमें सेलेक्ट हुए हैं, उनमें से सेलेक्ट होकर उनकी परमानेंट वो आर्मी में उस प्रक्रिया के माध्यम से जाने वाले हैं। पोस्ट में कहीं भी कोई डिलीट नहीं है, बल्कि उसमें जुड़ने का काम हुआ है और वो जुड़ के जाने का काम होगा। और जो बहाली की प्रक्रिया है वो उसी सैंक्शन पोस्ट पे रहेगा, ठीक है कि प्रक्रिया थोड़ी बदल गई है।